सोलन में माल रोड पर स्थित चिल्ड्रन पार्क नशेड़ियों का अड्डा बनते जा रहा है, जिसके कारण यहां अब स्थानीय जनता आने से भी कतराने लगी है। यहां युवा ज्यादातर झुंडों में दिखाई पड़ते हैं और नशे में टल्ली रहती है। अगर कोई व्यक्ति या बुजुर्ग उन्हें समझाने की कोशिश भी करता है तो वह उन्हीं से ही लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। इसलिए अब इस पार्क का माहौल खराब होता जा रहा है। यहाँ आने वाले लोगों को यहाँ का खराब माहौल देखकर बेहद हताशा हाथ लगती है। इस पार्क का नाम चिल्ड्रन पार्क है, लेकिन यहाँ बच्चों की बजाय अधिकतर नशेड़ी ही पाए जाते हैं, जो अक्सर यहाँ हुड़दंग मचाते हुए दिखाई दे सकते हैं। व्यवस्था क्या है, प्रशासन को देखना चाहिए, हर जगह या सीसी कैमरे लगवाएं, क्या है कोई ऐसे पुलिस वालों की ड्यूटी, कोई सीआईडी वाले क्या करते हैं वो कम से कम, और पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए कि बच्चे कहाँ हैं, स्कूल के बहाने घर से निकले हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, स्कूल से फ़ोन करके कंफर्म करो कहाँ हैं बच्चे। तो ये तो आम देखने में मिलता है कि बच्चे जो है नशे में, इवन लड़कियाँ भी पाई जाती हैं, जो जवान बच्चे लाइब्रेरी में जबकि बैठने की जगह है वहाँ करके पार्कों में और इवन झाड़ियों में कई बार बच्चे देखे जाते हैं। तो ये तो प्रशासन की सबसे बड़ी वो है, जो खासकर ये जो सिटीज़ में तो बहुत बुरा हाल है, गांव के बच्चे भी आजकल उनकी लत में पड़ करके तो शहरों की ओर भागते हैं, बुरी आत्माओं में पड़ रहे हैं। पुलिस वाले सड़कों में घूमते हैं, उनको आना चाहिए बीच में, जो है चेक करना चाहिए कौन से जो है कई अभद्रता करते हैं बुज़ुर्गों के साथ भी। मैंने देखा कई बुज़ुर्गों के साथ बदतमीजी से अगर समझाएं बच्चों को कि बेटा ऐसा नहीं, तो अभद्रता से पेश आते हैं। अब बुज़ुर्ग जो हैं वो कुछ कह नहीं, अपना साइड हो जाते हैं, क्योंकि संस्कार ही नहीं है बच्चों में। तो ये देखना चाहिए, खासकर पुलिस वालों को देखना चाहिए, क्योंकि उनका एक ऐसी दहशत रहती है समाज में, और सरकार की तरफ से ये विभाग ही ऐसा है, तो ये जिनके अधीन ये सारी कार्रवाइयाँ आती हैं तो उनको देखना चाहिए और सीसी कैमरे लगवाने चाहिए, और पेरेंट्स को खासकर अवेयर होना चाहिए इस मामले में। जब तक पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तब तक होना सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की है, दूसरा प्रशासन की। मैं यहाँ सोलन के ड्यूटी प्लान से हूँ, ड्यूटी से आगे गाँव पड़ता है जारघाट, वहाँ से हूँ। तो मैं तो यहाँ आता भी बहुत कम हूँ, पर जब कभी आता हूँ तो कुछ थोड़ी देर के लिए टहलने के लिए आ जाता हूँ, जब गाँव से कभी आता हूँ कभी कभार। मैंने काफ़ी बार देखा है कि यहाँ कई जगह पे कुछ तो 17-18 साल के बच्चे भी हैं जो नशे में धुत हैं, बाकी कुछ तो बड़े तो है ही। तो यहाँ काफ़ी पॉइंट मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे वो नशा करते हैं और उनको ना कोई कुछ बोल रहा है, ना अब बोल भी नहीं सकते, ऐसी हमारी स्थिति है। किसी को बोलना आज के समय में बड़ा मुश्किल है, अगर हम बोलेंगे तो कुछ ना कुछ वो कर भी सकते हैं कि आपका नशे में आकर के हमें मार ही दें, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में क्या बोल सकते हैं, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि यहाँ पे जो चाहे कमेटी के ही हो या फिर हमारे प्रशासन का हो या कुछ भी, जो यहाँ पे आए और ये चेक करे कि यहाँ क्या हो रहा है।